हे गाइस, सो आज इस वीडियो में मैं फैबर कास्टल के कनेक्टर पेन्स को कॉपिक पे टर्न करूंगा, यानी कि अल्कोहल बेस पे टर्न करूंगा, जिनको मैं बुलाऊंगा कॉपिक कनेक्टर पेन। सो ये है 25 शीट वाले फैबर कास्टल के कनेक्टर पेन, जिनको मैंने अमेजोन से बाय करा था। एंड ये कनेक्टर पेन अमेजोन में आपको 15 से लेके 50 शेड में भी मिल जाएंगे, सो आप चाहे तो इनमें से कोई सा भी बाय कर सकते हैं। बाय द वे, ये कनेक्टर पेन वाटर बेस्ड है, जिनको यूज करने की कुछ निंजा टेक्निक्स में लिखी हुई है, जैसे कि स्क्विगलिंग, पैटर्निंग, शेडिंग एंड पॉइंटिलिज्म जैसी टेक्निक का यूज करके हम कलरिंग कर सकते हैं। एनीवेज, सो इन कनेक्टर पेन को आज मैं कॉपिक पे टर्न करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं इन कनेक्टर पेन को इसके नॉर्मल फॉर्म में ट्राई करूंगा एंड देन फिर मैं इनको कॉपिक पे टर्न करूंगा। एंड वीडियो के एंड में मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि जब आप इनको वाटर बेस्ड से अल्कोहल बेस्ड पे टर्न करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू इट। ओके, सो कनेक्टर पेन को ट्राई करने के लिए मैं यूज करूंगा ब्रोली को। सो इस कैरेक्टर को मैंने बहुत पहले एक ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बनाया था, बट वीडियो रिकॉर्ड ना होने के कारण ये ड्राइंग वेस्ट हो गई थी। बट फाइनली आज ये वेस्ट नहीं जाने वाला, बिकॉज आज मैं इनको यूज करूंगा अपने कनेक्टर पेन को ट्राई करने के लिए। और राइट गाइस, इसके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, जिसकी लेफ्ट साइड पे मैं कलरिंग करूंगा नॉर्मल कनेक्टर पेन से, जिनको मैं बुलाऊंगा वाटर बेस्ड। एंड कनेक्टर पेन को कॉपिक पे टर्न करने के बाद मैं इसकी राइट साइड पे कलरिंग करूंगा, जिनको मैं बुलाऊंगा अल्कोहल बेस्ड। तो जब भी मैं वाटर बेस्ड या फिर अल्कोहल बेस्ड बोलूं, तो समझ जाना कि नॉर्मल कनेक्टर पेन कौन सा है, अल्कोहल बेस्ड वाला कौन सा है। एंड बाय द वे, इस कैरेक्टर पे मैंने इंकिंग करने के लिए यूज कराया रोलिटो का 5-point पेन, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी मात्र 10 rupees में मिल जाएगा। एंड ये पेन बिगनर्स एंड प्रैक्टिस वर्क के लिए काइंड ऑफ ठीक ठाक है। एनीवेज, सो लेट्स डू द कलरिंग। ओके गाइस, जो कनेक्टर पेन का सेट मेरे पास है उसमें ज्यादा स्किन टोन अवेलेबल नहीं है, सो जिसकी वजह से हमें उसमें कलर मिक्सिंग करके स्किन टोन बनाने पड़ेंगे। एंड जो शेड मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्किन टोन बनाने के लिए, वो शेड मैं आपको साथ ही साथ दिखाता रहूंगा। एंड बाय द वे, इन कनेक्टर पेन को यूज करने का सही तरीका है कि आप इन पे ड्राई कलरिंग करें, यानी कि पहले आप इस पे एक बेस लेयर लगाएं एंड उस लेयर को अच्छी तरह ड्राई होने दें, एंड देन फिर उसके बाद आप उस पे सेकंड लेयर लगाएं। सो इस तरह से कलरिंग करने से आपका पेपर ज्यादा डैमेज नहीं होगा एंड आप इजीली कलरिंग कर पाएंगे। एनीवे, सो एंजॉय द प्रोसेस। Thank you.
ओके गाइस, सो इस वाले पार्ट पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, सो इसको फिक्स करने के लिए मैं यूज करूंगा व्हाइट जेल पेन। ऑलराइट गाइस, सो वाटर बेस वाली साइड पे कलरिंग कंप्लीट हो गई है, सो नाउ अब हम करेंगे इसके अल्कोहल बेस वाली साइड पे कलरिंग, बट फर्स्ट लेट्स टर्न द कनेक्टिव पेन इनटू अल्कोहल बेस्ड। सो गाइस, कनेक्टिव पेन को अल्कोहल बेस पे टर्न करने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए वो है नंबर 1 फैबर कास्टल के कनेक्टिव पेन्स, नंबर 2 पिपेट या सिरिंज या फिर कोई भी ड्रॉपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एंड नंबर 3 अल्कोहल। सो ये है निकस का 99% प्योर आइसोप्रोपाइलीन अल्कोहल, जिसको आज मैं यूज करूंगा अपने कनेक्ट पेन को कॉपिक पे टर्न करने के लिए। एंड बाय द वे गाइस, आप चाहे तो नेल पेंट रिमूवर भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसके अंदर ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, वो है कलर, फ्रेग्रेंस, जेल एंड कोई अदर केमिकल। एनीवे, सो सभी कनेक्ट पेन को अल्कोहल बेस पे टर्न करने से पहले मैं यहां पे एक कनेक्ट पेन पे इस प्रोसेस को अप्लाई करके दिखाऊंगा, एंड देन फिर मैं सभी कनेक्ट पेन पे इस प्रोसेस को अप्लाई करूंगा, एंड आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है जो यहां पे मैंने बताया। ओके, सो कनेक्ट पेन को अल्कोहल बेस पे टर्न करने के लिए स्टेप 1, सबसे पहले यहां पे आपको अपने कनेक्ट पेन के बॉटम वाले कैप को ओपन करना है कुछ इस तरह। स्टेप 2, देन फिर आपको अपनी अल्कोहल की बॉटल में से 1 ड्रॉप जितना अल्कोहल निकाल लेना है पिपेट की हेल्प से, एंड कनेक्ट पेन के कार्ट्रिज के अंदर डाल देना है कुछ इस तरह। स्टेप 3, फिर आपको इस कनेक्ट पेन को 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है ताकि इस कनेक्ट पेन की जो इंक एंड अल्कोहल दोनों अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। सो इस प्रोसेस को होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, सो तब तक आप इस कनेक्ट पेन के कैप को मत ओपन करना। बाय द वे गाइस, सो जो प्रोसेस यहां पे मैंने अभी आपको दिखाया उस प्रोसेस को आपको न्यू कनेक्ट पेन पे ट्राई नहीं करना, बिकॉज न्यू कनेक्ट पेन में फुल एंड फ्रेश इंक होती है, जिसकी वजह से हम उसमें कोई भी दूसरा लिक्विड नहीं डाल सकते। सो मेक श्योर कि आप अपने कनेक्ट पेन को 2-3 बार यूज कर ले ताकि कनेक्ट पेन के कार्ट्रिज में से थोड़ी इंक कम हो जाए एंड हम उसमें अल्कोहल ऐड कर पाए। 24 hours later. Okay guys, so 24 hours पूरे हो गए हैं, so now अब हम इस कनेक्ट पेन को टेस्ट करेंगे, so let's do that. Alright guys, तो ये था एक छोटा सा टेस्ट कि जब हम इसको वाटर बेस से अल्कोहल बेस पे टर्न करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आते हैं, एंड एज यू कैन सी कि वाटर बेस से अल्कोहल बेस पे टर्न करने के बाद कितनी अच्छी तरह वर्क कर रहा है। सो नाउ अब हम करेंगे इसे थोड़ा बड़ा टेस्ट, बट फर्स्ट लेट्स टर्न ऑल द कनेक्ट पेन टू अल्कोहल बेस्ड, आई मीन कॉपिक कनेक्ट पेन। सो ये सभी कनेक्ट पेन अल्कोहल बेस पे टर्न हो चुके हैं, एंड मैंने इनको 24 आवर्स के लिए भी छोड़ दिया था, सो नाउ अब हम करेंगे इसको टेस्ट, सो लेट्स डू दैट। ओके गाइस, सो अल्कोहल बेस्ड एंड वाटर बेस से कलरिंग कंप्लीट हो गई है, सो नाउ अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि जब आप इनको वाटर बेस से अल्कोहल बेस पे टर्न करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, बट उस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले लेट्स सी द क्लोजर लुक।
ओके गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वाटर बेस्ड एंड अल्कोहल बेस्ड कनेक्टर पैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एक ही कनेक्टर पैन है, जिनके सिर्फ मैंने सब्सटेंस को चेंज करा है वाटर बेस्ड से अल्कोहल बेस्ड में, एंड इससे ज्यादा मैंने इस कनेक्टर पैन को कुछ नहीं करा। एनीवेज, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वाटर बेस्ड से। सो वाटर बेस्ड के यहाँ पे मैं दो पॉइंट बताऊंगा, प्लस एंड माइनस पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं पहले माइनस पॉइंट से। ओके, सो माइनस पॉइंट नंबर वन, डैमेज द पेपर। सो ये कनेक्टिव पेन पेपर को डैमेज करते हैं जब आप कलरिंग या ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, तो ये पेपर को स्क्रब करके उसको रिमूव करने लग जाते हैं, जिससे कि आपको कलरिंग करने में ज्यादा मजा नहीं आता। माइनस पॉइंट नंबर टू, हैचिंग लाइन। सो जैसे आप कलरिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से हैचिंग लाइन दिखाई देती है, जिससे कि आपकी कलरिंग स्मूथ एंड सॉफ्ट नहीं दिखाई देती। माइनस पॉइंट नंबर थ्री, नॉट वर्किंग ऑन थिन पेपर। सो ये कनेक्टिव पेन थिन पेपर पे वर्क नहीं करते, इसके लिए आपको 200 या 300 जीएसएम का पेपर चाहिए होगा। एंड अगर आप इसको वाटर कलर टेक्निक का यूज करेंगे तो आपको 300 जीएसएम पेपर तो यूज करना ही पड़ेगा। एंड माइनस पॉइंट नंबर फोर की, इसको ज्यादा टाइम लगता है ड्राई होने में, जैसे कि आपकी कलरिंग स्लो हो जाती है। ऑलराइट गाइस, सो ये थे इसके कुछ माइनस पॉइंट्स। सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट के बारे में। ओके, सो प्लस पॉइंट नंबर वन की, इसके कलर बहुत ही ज्यादा रिच एंड ब्राइट कलर है, जिससे कि आपकी कलरिंग में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है। प्लस पॉइंट नंबर टू, वाटर कलर टेक्निक। सो आप इस पे वाटर कलर टेक्निक का यूज करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं, कलर को लाइट टू डार्क कर सकते हैं, जो कि आप अल्कोहल बेस्ड कनेक्टिव पेन से नहीं कर सकते। प्लस पॉइंट नंबर थ्री, टेक्निक। सो इस कनेक्टिव पेन के पैकेट के पीछे कुछ टेक्निक्स लिखी हुई है, जिनका आप यूज करके कलरिंग कर सकते हैं। प्लस पॉइंट नंबर फोर, सेटिस्फेक्शन। सो जब आप कलरिंग करने के बाद इसके एंड में रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके गाइस, सो ये थे वाटर बेस्ड के कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट जो कि मैंने नोटिस करे थे। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने इस कनेक्टिव पेन के बारे में ये चीजें नहीं बताई, सो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। एनीवेज, सो नाउ अब हम बात करते हैं अल्कोहल बेस्ड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके माइनस पॉइंट से। माइनस पॉइंट नंबर वन, स्मॉल लिप। सो इसके स्मॉल लिप की वजह से आप बड़ी एरिया पे ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, आप छोटी एरिया पे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। बड़ी एरिया का मतलब आप बैकग्राउंड पे ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, सॉफ्ट ब्लेंडिंग जो होती है उस टाइप की ब्लेंडिंग आप नहीं कर सकते इससे। एंड माइनस पॉइंट नंबर टू, परमानेंट कलर। सो ये कलर परमानेंट होने की वजह से अगर आप इस पे वाटर कलर टेक्निक यूज करोगे तो इस पे वाटर कलर टेक्निक नहीं वर्क करेगी, बिकॉज वाटर एंड अल्कोहल दोनों डिफरेंट सब्सटेंस है। एंड ये कलर अगर आपके क्लोथ पे लग गया तो ये परमानेंट रहेगा, छूटेगा नहीं। सो मेक श्योर कि आप कलर करते टाइम ध्यान दें। माइनस पॉइंट नंबर थ्री, टेम्पररी कलर। सो ये कनेक्टिव पेन टेम्पररी होते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चलते। एंड इनको अल्कोहल बेस पे टर्न करने के बाद इसकी लाइफ लिमिट थोड़ी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज कनेक्टिव पेन की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं कि वो अल्कोहल बेस जैसे एक सब्सटेंस को ज्यादा टाइम तक अपने अंदर कंटेन करके रखे। एंड अगर आप अपने कनेक्टिव पेन की कैप को ओपन करके रखे रहेंगे तो इसकी इंक जल्दी ड्राई हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप उसको यूज करने के बाद जल्दी से बंद कर लेना। ओके गाइस, सो ये थे अल्कोहल बेस के कुछ माइनस पॉइंट। सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट के बारे में। प्लस पॉइंट नंबर वन, नो हैचिंग लाइन। सो इससे कोई भी हैचिंग लाइन नहीं बनती जब आप कलरिंग करते हैं। जैसे कि वाटर बेस में क्या होता है कि जब आप कलर करते हैं तो उसमें हैचिंग लाइन्स आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। बट इसमें क्या है कि जब आप कलरिंग करेंगे तो इससे बैलेंस कलर होगा एंड फ्लैट कलरिंग होगी, कहीं ज्यादा लाइट कहीं ज्यादा डार्क वैसे कलरिंग नहीं होगा। एंड प्लस पॉइंट नंबर टू, इजी टू ब्लेंड। सो इससे आप बहुत ही इजीली ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जैसे वाटर बेस में जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो पेपर को डैमेज करने लगता है, बट यहाँ पे क्या है कि जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आप बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंडिंग कर पाएंगे इससे। प्लस पॉइंट नंबर थ्री, क्विकली ड्राई। सो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस पे लेयरिंग कर सकते हैं एंड इससे आपका टाइम भी बचता है। प्लस पॉइंट नंबर फोर की, आप इसे डूडलिंग कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनिमे आर्ट, मांगा एंड रियलिज्म जैसे वर्क पे कलरिंग करने के लिए इन कनेक्टिव पेन का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।